कहानी 23वीं यशोरा जन्म होना। यूसुफ नमारे धर्मी आदमिया कने मरियम रा रिश्ता हुई गा था। जब तिसो पता लग्या भी मरियम पेटा थे तो तिसो पता था भी ए मेरा बच्चा नहीं है, पर से मरियमारी बेजती नहीं करना चाह था। इतने खतरती ने तिसा पर दया की और तिसा जो तलाक देने री सोची, पर इतने पहले से एड़ा करदा एक स्वर्गदूता ने तीसरे सुपने च आई के बात की। स्वर्गदूते बोलिया, हे यूसुफ, मरियम जो अपनी घरवाली बनाने ते मत डर। तिसारे पेटा च जो बच्चा से पवित्र आत्मा री तरफा ते आ। तिसारे एक बेटा होना, तिसरा नाम यीशु रखना, जितेरा मतलब यहोवा बचा, से लोका जो पापा ते बचांगा। तब यूसुफा ने मरियमा कने ब्याह करेला और तिसा जो घरवाली बनाई के घरे ले आया। तिसारे बच्चा होने तक से तिसा रे नजदीक नहीं गया। मरियमा रे बच्चे होने रा समय नेड़े था। तिसे और यूसुफा ने बेतलहम जाने री लंबी यात्रा की थी। तिने जो तिथि जाना जरूरी था, तिथि रोमी अधिकारी इसराइला च रहने वाले सारे लोगों की गिनती करना चाह थे। से चाह थे सारे लोग तिथि जाओ जिथि तिनारे बुजुर्ग रहा थे। राजा दाऊदा रा जन्म बेतलहम च हुआ था और से मरियम और यूसुफा दोनों रे पुरखे थे। मरियम और यूसुफ बेतलहम गए, पर तिथि पशु रखने री जगह ते लावा तिनारे ठहरने री कोई जगह नहीं थी। सही जगह थी जिथी मरियमा ने अपने बच्चे जो पैदा कित्या। तिसे बच्चे जो चरनिया च सुलाया, पर तिथि तिस खतर कोई बिस्तर नहीं था। तिने तीसरा नाम यीशु रखिया। तीस राती नेड़े ही तिथि भेड़ बकरिया चराने वाले चरवाहे रखवाले करने लग रहे थे। तभी एक चमकदार स्वर्गदूत आया, तब से डरी गए। तिस स्वर्गदूते ने बोलिया, डरो नहीं, आऊं तुसा खतर सुख संदेश लियाई रा। अज दाऊदारे नगर बेतलहमा च तुसा खतर मुक्तिदाता पैदा हुई रा, से ही मसीही और प्रभु आया। जाओ और तिसो टोलो और तुसा जो से कपड़े च लिपटरा और चरनिया च लेटरा मिलना। तभी आसमान स्वर्गदूता कने भरेगा, से परमेश्वर की आराधना करने लग रहे थे। तिने बोलिया, सारा गुणगान स्वर्ग च रहने वाले परमेश्वर जो मिलो, धरती पर तिना लोका जो सुकून मिलो जिना रे से चिंता करा। स्वर्गदूत तिथि ते चली गए। से चरवाहे भी तिथि अपनी भेडा छड़ी के तिस बच्चे जो देखने गए। छोड़ी से तिथि पहुंचे जिथि यीशु पैदा हुआ। तिने देखा बई से चरनिया च सुतिरा, जड़ा स्वर्गदूता ने बोलिया था। से बहुत खुश थे, तब से अपनी भेडा गे वापस आए गए। तिने जो देखा सुनया तिते खतर से परमेश्वर रा गुणगान करने लगे। पूर्वा ते दूर एक देशा च कुछ लोग थे। तिने जो तारिया रा ज्ञान था, से बड़े बुद्धिमान थे। तिने एक चमकदार तारे जो आसमान च देखा, तिने बोलिया, इतरा मतलब यहूदिया रे नए राजे रा जन्म हुईरा। इते खतर तिने तिस बच्चे जो देखने खतर अपने देशा ते चली पड़े। बहुत सफरा ते बाद से बेतलहम पहुंचे और तिस घर आगे पहुंचे जिथे यीशु और तीसरे माता पिता रुके रहे थे। इना लोका ने जब यीशु जो अपने मावा कने देखा, तब तिने झुकी के तीसरा गुणगान कित्या। तिने लोका ने यशुआ जो महंगी चीजा दितिया, तब से अपने घर जो चली गई।